दोस्तों SRK की अपकमिंग मूवी जवान काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। दोस्तों आपको बता दूं, हाल ही में SRK ने जवान की रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट की थी कि ये फिल्म अब 2 जून को नहीं बल्कि 7 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन होने पर फैंस काफी ज्यादा दुखी भी हुए थे, लेकिन अब SRK इस फिल्म को लेकर बड़ी अपडेट सभी के सामने रखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस फिल्म से टीजर को रिलीज किया जाएगा। हालांकि दोस्तों पहले खबरें थी कि मई के फर्स्ट वीक में टीजर को रिलीज किया जाएगा, क्योंकि ये फिल्म 2 जून को रिलीज हो रही थी, लेकिन दोस्तों अब फिल्म सितंबर में रिलीज हो रही है तो इसके प्रमोशन के लिए अच्छा खासा वक्त है फिल्म के मेकर्स के पास, और इसी बीच फिल्म का बस कम ना हो इसीलिए टीजर को लाने की प्लानिंग की जा रही है। दोस्तों टीजर रिलीज होने की जो डेट होगी वो मई के लास्ट वीक होगी या फिर जून का फर्स्ट वीक हो सकता है। दोस्तों यहाँ देखा जाए तो SRK बिल्कुल अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम कर रहे हैं, जहाँ वो जून में फिल्म लाने वाले थे और अब वो टीजर लेकर आएंगे, जिसकी वजह से फिल्म का बस बिल्कुल भी कम नहीं होगा। दोस्तों अगर फिल्म की बात करें तो एटली के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म के अंदर SRK के अलावा हमें नयनतारा और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आएंगे। जवान के अलावा SRK डंकी में भी नजर आएंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार ईरानी और इस फिल्म में SRK के साथ तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आएंगी। खैर दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं जवान के टीजर के लिए कमेंट करके जरूर बताएं, और SRK की मूवी जवान से रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।